वेलकम टू यूट्यूब चैनल गाइस, आज हम आपके लिए कुछ क्रिएटिव ढंग से बच्चों को फ्रूट्स के नेम हम कैसे सिखाएं वो आज हम सिखाएंगे विद स्पेलिंग। जैसे गाइस, हमने यहाँ पर आपको अभी बताया है कि मैंने ये जो बनाए हैं ये किस तरह से बनाए हैं। मैंने एक प्लेन पेपर लिया है, प्लेन पेपर को मैंने रेड मार्क लाइन से मार्किंग कर दी। फिर जैसे हम लोग बचपन में फ़ैन बनाते थे ना पेपर का, उस तरह से मैंने इसको फ़ैन की तरह इसको फोल्ड कर दिया पतला पतला। इस तरह से मैंने इसको फोल्ड कर दिया, इट्स वेरी इजी, डू लाइक दिस। इस तरह से मैंने इसको फोल्ड कर दिया। फिर मैंने ऊन लिया, थोड़ा सा ऊन, या आप धागा भी ले सकते हो। मैंने धागे ऊन की सहायता से इसको ऐसे मिड में इस तरह से बांध दिया, इस तरह से बांध दिया। अब ये देखिए, ये फैन की तरह हो गया है, दोनों राउंड राउंड हो गए हैं। अब मैंने फेविकोल से इसको इस तरह से इधर से ऐसे और इधर से ऐसे, इस तरह से जितने भी इसके 4 कॉर्नर्स हैं इसको मैंने इस तरह से डू लाइक दिस इस तरह से मैंने स्टिक कर दिया। अब ये आपका इस तरह से आ जाएगा सर्कल। अब मैंने वेस्ट पेपर, मेरे पास कलरफुल पेपर बचा हुआ था, मुझे फ्रूट्स का कॉन्सेप्ट देना था बच्चों को, तो मैंने फ्रूट्स इस तरह से ड्रॉ किया और इसमें मार्कर से इसकी आउटलाइनिंग की और इसको इस तरह से स्टिक कर दिया। कलरफुल पेपर, इस तरह से मैंने कलरफुल पेपर में फ्रूट्स लिख लिया। फ्रूट्स लिख के फिर मैंने इसको ऐसे कट किया। कट करके गाइस, इस तरह से मैंने इसको दूसरे पेपर में कट करके इस तरह के मैंने एक पिंक कलर का पेपर लिया और पिंक कलर के पेपर में इसको ऐसे स्टिक कर दिया। अब स्टिक करने के बाद मैंने ये जो आपने राउंड सर्कल बनाया था इसमें मैंने फ्रूट्स करके इस तरह से बना दिया। ओके, उसी तरह मैंने इसको बनाया है पेपर फोल्ड करके, फिर मैंने स्केच किया है, देन मैंने ये फ्रूट्स के कटआउट्स कुछ कट करके रखे हैं। उनके नेमिंग बहुत ज़रूरी हैं क्योंकि जब बच्चा देखेगा तब उसका नाम भी पढ़ेगा, स्पेलिंग भी उसको लर्न होगी। फिर मैंने ये फ्रूट्स बना रखे हैं, ये हर स्कूल में सबसे पहले बच्चों को 5 फ्रूट्स के नेम, वेजिटेबल्स के नेम और फ्लावर्स के नेम सिखाए जाते हैं। तो आज मैंने ये आपके लिए मैं लेके आई हूँ। जैसे एप्पल मैंने कलरफुल बनाया है, बच्चे अट्रैक्ट होते हैं, बच्चे जितनी अच्छी पिक्चर होती है पिक्चर्स के अकॉर्डिंग अट्रैक्ट होते हैं। तो मैंने यहाँ पर बहुत अच्छी अच्छी पिक्चर्स बना रखी हैं। एप्पल है, ग्रेप्स है, ऑरेंज है, पॉमीग्रेनेट है, मैंगो है, आपका वाटरमेलन है और बनाना है। इसमें क्या करते हैं, हमने फ्रूट्स के साथ साथ मैंने कलर कॉन्सेप्ट भी बता सकते हैं बच्चों को, एप्पल किस कलर का होता है, पॉमीग्रेनेट किस कलर का होता है, रेड कलर का होता है, देन ग्रेप्स आपका किस कलर का है, ग्रीन कलर का है, ऑरेंज कलर का है, आपका मैंगो एंड बनाना किस कलर का है, ये आपका येलो कलर का है। तो गाइस, इस तरह से हम लोग फ्रूट्स के नेम बता सकते हैं, उसके कलर कॉन्सेप्ट दे सकते हैं, देन ये बता सकते हैं कि ये स्वीट है और हेल्दी है कि नहीं है, और हर सीज़न में कौन से सीज़न में कौन सा फ्रूट आता है। जैसे आपका पॉमीग्रेनेट है और एप्पल है, ये ऑल सीज़न आता है, बनाना भी ऑल सीज़न आता है, लेकिन ग्रेप्स का एक सीज़न होता है, ऑरेंज भी सीज़न में आता है, वाटरमेलन भी सीज़न में आता है, हर सीज़न में ये चीज़ अवेलेबल नहीं होती हैं। गाइस, एक चीज़ से हम बच्चों को बहुत सारे कॉन्सेप्ट्स क्लियर कर सकते हैं, इस तरह से अट्रैक्टिव वे में इसको बनाकर। गाइस, अगर मेरा ये वीडियो आपको पसंद आया है तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर से ज़रूर करें। इसी तरह मैं आपके लिए न्यू और नया वीडियो फिर से लेकर आऊँगी। ओके, बाय बाय।